हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अथर्व, ठीक है, और मैं हयात एकेडमी में यानी कि हयात फाउंडेशन जेई नीट में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं 10th, 11th और 12th IIT जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कराता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपको कम्प्लीट मुझ पर फेथ करना है, ठीक है। जितना फेथ तुम मुझ पर करोगे उतना ज़्यादा मैं तुम्हें सिखा पाऊँगा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है गाइज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके हाल ही में 10th के एग्ज़ाम कैंसल्स हो चुके, तो बेसिकली दो चीज़ें होती है। आप जब किसी पड़ाव को पार करके आगे जाते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि हाँ, मैंने यहाँ बहुत अच्छा किया और मैं आगे भी बहुत बेहतर करूँगा। लेकिन गाइज, इस पैनडेमिक के दौरान हुआ क्या बेसिकली कि तुम कभी अपने आप को जज ही नहीं कर पाए। मतलब कि अगर किसी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, कोई बहुत अच्छा हिट कर सकता है किसी चीज़ को, लेकिन तुम्हें पोटेंशियल ही नहीं मिल पाया कि किस तरीके से तुम चीज़ों को लेके चल सकते हो। मतलब विजुअलाइज नहीं हुआ, और सेल्फ एनालिसिस इतनी छोटी उम्र में होता नहीं। और छोटी उम्र भी क्या, जब तक सपोज़ करो अगर तुम मुझसे ही बात करो कि तुम्हें कितनी केमिस्ट्री आती है, बहुत आती है जी, अपने मन को समझा दिया बहुत आती है जी। लेकिन जब बात आई इसको प्रूव करने की, लेकिन जब बात प्रूव करने की आती है और मैं उसको तुम्हें बता ही ना पाऊँ तो वो मेरे लिए किसी काम का है ही नहीं गाइस। तो सेम थोड़ा तुम्हारे साथ भी हुआ है, शायद थोड़ा इनजस्टिस है, या मैं मानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा तो मौका देना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम्हारे स्कूल्स कोलेब्रेशंस ने ऐसा कुछ किया कि तुम्हें प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स तो कम से कम कंडक्ट करवाए, तुम्हें कम से कम लिखना तो सिखाया, कम जो तुम भूल ही चुके थे, प्रॉपर भूल चुके थे। तो 10th क्लास में बेसिकली गाइस हम साइंस की एक बुक पढ़ते थे, इतनी मोटी सी एक बुक आती थी, उसमें केमिस्ट्री भी होती थी, फिजिक्स भी होती थी और बायोलॉजी भी होती थी, राइट है। वहाँ पे हम इसको साइंस के फॉर्म में पढ़ते थे। तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, एक कम्प्लीट हमारे लिए न्यू जर्नी है, कम्प्लीट हमें इसके बारे में एक नए तरीके से पढ़ना है। तो गाइस, पहले तो सबसे पहले कि डरना मत, कुछ भी अगर नया होता है ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। खेल होता है कि उसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, यानी कि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो उसे तुम्हें किस तरीके से पढ़ाने वाला है। तुम में से बहुत लोग शायद मुझे जानते होंगे जो 10th क्लास में मेरे पास पढ़े हैं, उन लोगों को पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है, मतलब ऐसा कि दिखती है यार, फील होती है, मतलब होता ना कि वो चीज़ फील हो जाती है जब हम किसी इमोशनल वीडियो को देखते हैं तो ऐसा होता ना, फील हो जाती है, केमिस्ट्री ऐसी फील हो जाती है, और यही फीलिंग के साथ हमें इसको आगे लेके चलना है, राइट। तो गाइस, ये 10th से जब हम 11th में आते हैं तो हमारे लिए एक क्वांटम जंप होता है। कैसा होता है गाइस, ये एक क्वांटम जंप यानी कि बहुत बड़ा सा जंप, हमें बहुत ज़्यादा एकदम से इतना लंबा जंप मानना है। यानी कि मैं तुम्हें बताऊं कि 10th क्लास की केमिस्ट्री यानी कि 10th क्लास के सिलेबस और 11th क्लास के सिलेबस में कंप्लीट डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। वहां तुम केमिस्ट्री के केवल 5 चैप्टर पढ़ते थे गाइस, केमिस्ट्री के जब तुम्हें पढ़ाया होगा साइंस के टीचर ने तो तुम्हें बताया होगा कि ये केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स है। वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से होते थे मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला चैप्टर तुम लोग पढ़ते थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कौन सा चैप्टर पढ़ते थे पहला तुम गाइज? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, राइट गाइज? ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में तुम लोग पढ़ते थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या पढ़ते थे गाइज यहां पे? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और थर्ड चैप्टर में तुम लोग पढ़ते थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ते थे गाइज? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन द फोर्थ चैप्टर तुम लोग पढ़ते थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और लास्ट चैप्टर फिफ्थ में पढ़ते थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत से लोग इसी को पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये 5 चैप्टर पढ़े थे। और तुम्हारे साथ तो सबसे बड़ा जो खेल हुआ ना, जो मतलब
जो कुदरत ने तुम्हारे साथ खेल दिखाया वो ये दिखाया कि तुमने ये 5 के 5 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं पढ़े, ये 5 के 5 चैप्टर भी तुम लोग कंप्लीट नहीं पढ़ पाए गाइस। यानी कि किसी में से कुछ छुड़वा दिया, किसी में से कुछ छुड़वा दिया, कार्बनेट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर को तो बिल्कुल, इसके तो बिल्कुल धज्जियाँ ही उड़ा दी। इसमें तो तुम्हें केवल 2-4 चीज़ें ही पढ़ाई। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ा, इसमें बाद का पोर्शन कंप्लीट कट करा दिया था, ये चैप्टर थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा, और ये तो तुम चैप्टर को चैप्टर मानते ही नहीं, ये तो तुम्हारे लिए इतना आसान होता था, राइट। तो यहाँ हमारे पास केवल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हुआ करते थे, और 11th क्लास में जंप करते ही हमारे पास केमिस्ट्री के 14 चैप्टर हो गए, जो 2 बुक्स में डिवाइड हो गए, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में हमारे पास 7 चैप्टर हो गए गाइज, यहाँ हम आइसोलेटेड 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और बाकी के बचे हुए 7 चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास से 11th क्लास में जब जाते हैं तो सिलेबस गाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है कि तुम लोग डरना स्टार्ट कर देते हो, और यही इनिशिएटिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को लेके चलने का। जैसे कि सपोज करो कोई काम आज नया स्टार्ट करना है और हमें उसके बारे में पहले ही डरा दिया जाए, यार ये तो बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगा, यार मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, तो उस काम को चाहे तुम कर भी सकते थे, उस काम को चाहे तुम कर भी सकते थे, लेकिन तुम उसे कर ही नहीं पाओगे। यानी कि तुमने अपने दिमाग में सोच लिया कि यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, और जब तुम ये काम अपने ये बात अपने दिमाग में सोच लोगे, बैठा लोगे, तो वो काम कभी तुम्हारे लिए आसान होगा ही नहीं, उसे तुम एज ए बर्डन हमेशा लेके चलोगे, कर ही नहीं पाओगे गाइज, तुम कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये था हमारा 10th का चैप्टर, यानी कि 10th के 5 चैप्टर्स, और 11th में हम लोग पढ़ेंगे 14 चैप्टर्स 2 बुक के अंदर। यहाँ साइंस की एक बुक हुआ करती थी, उतनी ही मोटी मोटी 2 बुक केवल केमिस्ट्री की है, फिजिक्स सेपरेट रहा, मैथ वालों के लिए तो खैर अलग है, और बायोलॉजी वालों के लिए बायो की बुक अलग है, वहाँ भी 2 बुक है, फिजिक्स की भी 2 बुक है गाइज, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उतना ही सिलेबस हम पूरे साल में करते थे, ये वाला सिलेबस भी हम पूरे साल में करेंगे। सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाने वाला मिले, कि वो चीज़ों को इतना सरल बना के तुम्हारे सामने पेश करे कि तुम्हें वो हार्ड लगे ही ना। दूसरा, एक इंटरेस्टिंग वे, मतलब किस तरीके से तुम्हारे सामने वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसी सिलेबस को लेके चलेंगे। यानी कि जो मैंने बुक्स लगाई है इतनी सारी, ये बुक्स मैंने इतनी सारी लगाई इसी लगाई कि 11th क्लास में सिलेबस एकदम से बहुत सारा बढ़ जाता है, और सिलेबस का एकदम से क्वांटम जंप होता है, यानी कि क्वांटम जंप मतलब बहुत लंबा जंप। हमें ऐसे नहीं चलना, हमें ऐसे कूद के जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस को हमें कवर करना है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मैंने तुम्हें बोला कि किसी भी चीज़ को हार्ड करने के लिए किसी भी चीज़ की थिंकिंग प्रोसेस बहुत शानदार रहती है यार। जैसे कि तुमने कभी देखा होगा कि आज तो फीवर है, आज स्कूल नहीं जाना, लेकिन तुमने कुछ बंदों को देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा फीवर होने के बाद भी स्कूल चले जाते हैं, और उन्हें लगता ही नहीं कि हमें फीवर है। मतलब उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि ये बीमारी या ये काम हमें कुछ भी तरीके करने से रोक नहीं सकता। जैसे कि मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ, अपना एग्जाम्पल क्या देता हूँ कि ये जो पैनेडेमिक चला हुआ है, इस पैनेडेमिक में मैं तुम्हारे साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं कर सकता, नहीं क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको सोच लेता कि यार नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें सामने पढ़ा ही नहीं सकता था, राइट। लेकिन हुआ क्या कि मुझे, मैंने अपना माइंडसेट किया, क्या किया मैंने, अपना माइंडसेट किया, मैंने माइंडसेट किया कि लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। अगर माइंड में लिमिट एग्जिस्ट होती है तो केवल माइंड ही उसको परे कर सकता है, यानी कि आप लिमिट्स को माइंड में रखो ही मत। और इस पैनेडेमिक ने भी मुझे तुम्हारे लिए क्रिएटिव कंटेंट बनाने से नहीं रोक पाया, मैं तुम्हारे सामने फिर से क्रिएटिव कंटेंट तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। यानी कि अपना माइंडसेट तुम्हें कैसा करना है, बिल्कुल अपना माइंडसेट तुम्हें बिल्कुल पॉजिटिव रखना है गाइज, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है, राइट। हमेशा उसके अंदर क्रिएटिविटी भरनी है, हमेशा उसके अंदर क्रिएटिविटी भरनी है। जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी से काम करोगे, जितना ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखोगे, उतना बेहतर चीज़ों को सीख पाओगे गाइस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज द की टू गेट ए गुड रैंक। अभी तुम्हारे लिए 10th से अब तुम 11th 12th में जाने वाले हो, यानी कि 2 साल का सफ़र तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल के सफ़र में तुम लोग
11th क्लास ही पास आउट करोगे, स्कूल में बोर्ड्स प्री बोर्ड्स अगर स्कूल खुले तो, जहाँ तक है मुझे लगता खुलेगे, फिर 12th में जाओगे तब तक तो पक्का पक्का खुली जाएगी, ये तो बात मैं तो तुम्हें समझाता ही हूँ। उसके बाद जब तुम आगे जाओगे तो 12th को पास करोगे, 12th को पास करने के बाद तुम किसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में बैठोगे, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जैसे कि JEE या NEET, राइट, बोर्ड भी लिखोगे या JEE उसके सेपरेट, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन भी लिखोगे, राइट, JEE या NEET के लिए तुम बैठोगे। तो केमिस्ट्री केवल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हें रैंक बूस्टर का काम करता है, यानी कि तुम्हारी रैंक बूस्ट कर सकती है केमिस्ट्री से, इतना ईजीएस्ट है ये, ईजीएस्ट आउट ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी फॉर NEET, मैथ फॉर JEE, यानी कि JEE वालों को PCM देना पड़ता है और NEET वालों को PCE भी देना पड़ता है। उसमें केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत कम बहुत सटीक पढ़ के हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ केवल 12th क्लास नहीं आती, वहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी 11th क्लास ही पेश की जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना इसमें हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर तुम्हें एक चैप्टर अच्छे से नहीं आता ना तो तुम कहीं ना कहीं सेकेंड चैप्टर में जाके अटकोगे, वहाँ कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे से कनेक्टेड रखा हुआ पक्का 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 मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेगा गाइस, कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी चीज़ों के बीच में। चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक ध्यान कैसे रखा जाए, ध्यान तब रख सकते हो जब आप कनेक्टिविटी बना सकते हो, यानी कि अगर तुम किसी चीज़ को याद करना चाहते हो तो उस चीज़ को ध्यान, यानी कि ध्यान करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, हमें कनेक्टिविटी को बैठाना, कनेक्टिविटी के बारे में सोचना, कनेक्टिविटी को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है कनेक्टिविटी। बगैर कनेक्टिविटी वो चीज़ बर्डन जैसी लगती है, रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था, है ना, ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं तुम्हें गाना याद होगा, लेकिन उसने कनेक्टिविटी बताई कि बंदा रास्ते से गया, भेलपूरी खाई, फिर सिनेमा गया, फिर कुछ किया, उसने इस कनेक्टिविटी में इस चीज़ को लर्न किया हुआ है, और फिर ये उसको इतनी आसान लगी कि इसको बिना, यानी जिसको अक्षर भी नहीं आते ना, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो लैंग्वेज में जानता भी नहीं, मतलब मैं तुम्हें ये बताऊं कि इतनी ईजीएस्ट फॉर्म होती है कनेक्टिविटी कि बाहर फॉरन में बैठे जो फॉरनर्स होते हैं ना, जो हिंदी भी नहीं जानते, वो भी इस गाने को 2-4 बार सुन के बोल सकते हैं। क्यों? इसमें कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी है, पर बताना पड़ेगा, इंग्लिश में समझाना पड़ेगा कि वी आर गोइंग फ्रॉम ए रूट, देन वी ईट समथिंग लाइक नमकीन, तो वो कोई, अच्छा अच्छा ऐसा है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है सब्जेक्ट के लिए। और चैप्टर्स की कनेक्टिविटी, प्रीवियस क्लासेस की कनेक्टिविटी, यानी कि मैं तुम्हें 11th क्लास जो पढ़ाऊँगा वो 9th और 10th दोनों से कनेक्ट करके पढ़ाऊँगा गाइस, दोनों से कनेक्ट करके, और शुरू में तो कनेक्टिविटी ही कनेक्टिविटी रखूँगा, तुम्हें बार बार चेक करूँगा, बार बार क्रॉस चेक करूँगा, बार बार क्रॉस चेक करूँगा, नहीं आएगा वहाँ सिखाऊँगा, उसी तरीके से आगे चलेंगे, कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है गाइस, राइट। आगे चलते हैं, आगे वेटेज ऑफ केमिस्ट्री इन JEE एंड NEET, यानी कि केमिस्ट्री का कितना वेटेज है JEE और NEET में, राइट गाइस। तो केमिस्ट्री का वेटेज कुछ इस तरीके से आता है कि 11th क्लास मेरे पास आती है 45%, राइट, और 12th क्लास मेरे पास आती है 55%, यानी कि 11th क्लास की केमिस्ट्री 45% मैटर करती है JEE NEET के अंदर, और 12th क्लास की केमिस्ट्री 55% मैटर करती है, लगभग लगभग बराबर ही प्रपोर्शन है, यानी कि तुम ऐसा नहीं कि 11th को मज़े मज़े में पढ़ के चले गए और हम तो 12th में ही मेहनत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टीन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें कुछ अपने अंदर ग्रोथ दिखेगी। जस्ट अगर ऐसा नहीं करोगे तो जस्ट, मतलब होता है ना, गाड़ी को धक्का लगाया चल पड़ी, लेकिन उस गाड़ी को चलाने में मज़ा नहीं आएगा, धक्के लगाने वाले को भी दिक्कत होगी, उसको ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, खींच रहे, अरे नहीं यार शान से उठा के चलो, आती है चलेगी आगे, ऐसे करना है, राइट। तो वेटेज आता है हमारा केमिस्ट्री का 11th क्लास की केमिस्ट्री का 45% और 12th क्लास की केमिस्ट्री का 55%। देखो बंदा पढ़ भी रहा है, लाइट जली हुई है और बंदा आराम से बैठ के पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, विदाउट कॉन्टीन्यूटी देर इज नथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड,
हर किसी ना किसी को तो किसी काम में कंटिन्यूटी करनी पड़ती है। आज करो या कल करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो काम तुम्हें कल करना है उसको आज ही ख़त्म करके चलो ना आगे। बर्डन अपने ऊपर नहीं बनाना, पढ़ाई को बर्डन अपने ऊपर नहीं बनाना, यानी कि यहाँ बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी, ये अपने ऊपर पहाड़ नहीं बनाने देना, राइट। इनको हटाते रहना है, रिमूव करते रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल कूल रहना है, राइट। आगे चलते हैं गाइस। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री होती क्या है? खाना खाते हो, कपड़ा पहनते हो, बोर्ड देख रहे हो, है ना, लाइट जली हुई है, फ़ोन की स्क्रीन में देख रहे हो, राइट, ईयर प्लग से सुन भी रहे होगे, उसमें भी कोई वायर तो आई होगी ऐसी ना ऐसी बन के, पेन से लिखा है, खाना खाया है, चाट खाई है, पकौड़ी खाई है, पानी पिया है, एवरी थिंग इज़ केमिस्ट्री। जिस चीज़ को भी तुम देख सकते हो वही केमिस्ट्री है, वही केमिस्ट्री है। किसी भी चीज़ को उठा के देख लो वही केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री की तीन ब्रांच होती है हमारे पास। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताता है कि चीज़ों की किस तरह से तुम्हें कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखना है, यानी कि किसी भी चीज़ को फिजिकल अप्रोच से पढ़ना, फिजिकल अप्रोच क्या होती है कि मुझे उसकी अपीरेंस कैसी दिख रही है, मुझे वो दिखता कैसा है, यानी कि कोरिलेट कैसे कर पाऊंगा। सपोज करो कि मैंने तुम्हें एक साइकिल चलाने के लिए दे दी, साइकिल किससे बनी है कैसे बनी है छोड़ दो, साइकिल चलाने के लिए दी, तुम इसमें स्पीड की बात करोगे, कोई उस पर बैठ के चलाएगा, कोई इसको लेके चलेगा, कोई सामान रख के चलाएगा, कोई तेज चलाएगा, कोई इसे मोटर लगा देगा, तो गाइस हम कहीं ना कहीं स्पीड की बात कर रहे हैं। देखो चीज़ें तो बन चुकी, चीज़ें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने बना दी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे पढ़ने के लिए चलना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ए टूल। ये एक टूल है, टूल कैसे, जैसे किसी पेंच को खोलना है, किसी स्क्रू को खोलना है तो क्या लगाते हैं, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं, खुल जाता है। चीज़ों को पढ़ना सिखाता है, ईजीएस्ट फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टूल है डाटा रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा फिजिबिलिटी का, किसका गाइज, फिजिबिलिटी का, कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, पहले इस अप्रोच से देख तो ले कि कितनी फिजिबिलिटी उसकी है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री होती है कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। कैसी केमिस्ट्री होती है गाइज, ये कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री, यानी कि इसमें बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स के बिना किसी चीज़ को सीखना इम्पॉसिबल है, सीख नहीं सकते। इस फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को न्यूमेरिक अप्रोच से लेकर चलना है, किससे लेकर चलना है, न्यूमेरिक अप्रोच से लेकर चलना है। यहाँ चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे न्यूमेरिक अप्रोच से, यानी कि चीज़ों में हम नंबर डालेंगे, नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे। तो गाइस मैं पढ़ देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इस्टेब्लिश एंड डेवलप्स द प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ऑफ फिजिक्स एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स की अप्रोच से पढ़ना और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है ये जरा मैं तुम्हें बता देता हूँ, राइट, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, कौन कौन सी चीज़ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, कौन कौन सी चीज़ हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, और होती क्या है बेसिकली, फिजिकल क्या है या ऑर्गेनिक क्या है या इनऑर्गेनिक क्या है। फिजिकल एक टूल है डाटा रिप्रेजेंटेशन का, फिजिबिलिटी को पता करने का, न्यूमेरिक अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअल डाटा इसके पास आता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लो जी आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ लिखा है कि वो केमिस्ट्री जहाँ केवल और केवल तुम्हारे पास क्या हो, कार्बन की केमिस्ट्री इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ भी कार्बन है
जहाँ भी कार्बन है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन है, जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन है, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा अंडर द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, राइट। तो अभी इसको देखो, मैं इसको फ्रीज करूँगा, ठीक है। तुम्हें ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग होते हुए दिख रहे होंगे, राइट। बीच में जो सेंटर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है गाइज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस का पार्ट। देखो न्यूक्लियस के पार्ट में तुम्हें दो तरह की बॉल्स दिख रही होगी, एक ग्रीन बॉल्स दिख रही होगी और एक ये रेड कलर की बॉल्स दिख रही होगी। इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। यहाँ पे मेरे पास क्या है गाइज, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, यानी कि तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में तुमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें बताया गया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, राइट। केमिस्ट्री चार्ज पहले तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक में जाना पड़ेगा, जब बेसिक में जाओगे तभी चीज़ों को आगे सीख पाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ तुमने कुछ न्यूक्लियस पढ़े, कुछ प्रोटॉन्स पढ़े, फिर उसके बाद तुमने बोला एक रदरफोर्ड मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि भाई उसने एक वो अल्फा रे पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट कराया था, उसमें अल्फा रेज टकराती थी, जाके वापस आ जाती थी, कुछ निकल जाती थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती थी किसी एंगल पे। तो वहाँ से वाटरमेलन मॉडल पढ़ा, थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल, तो वहाँ तुमने ये सीखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कुछ हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं और कुछ होते हैं प्रोटॉन्स, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स उनके घूमते रहेंगे, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स गाइस हमारे पास यहाँ भी घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा शो करता है न्यूक्लियस के पार्ट को। यहाँ पे कुछ मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं और कुछ मेरे पास रेड बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल्स रिप्रेजेंट करती है न्यूट्रॉन्स को और रेड बॉल्स रिप्रेजेंट करती है प्रोटॉन्स को, यानी कि ग्रीन्स मतलब चार्ज न्यूट्रल है और रेड मतलब उन पे चार्ज पॉजिटिव है, और जो ये वाइट बॉल्स गोल गोल घूम रही है, ये है गाइज इलेक्ट्रॉन्स। क्या है गाइज, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये कार्बन एलिमेंट है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनकी सेल्स है। क्या है गाइज, ये इनकी सेल्स है। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी था, कुछ लोगों को मैंने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। क्या सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोगों ने के एल एम और एन में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया था। तो कार्बन के लिए उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। आई होप, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम ये चीज़ें पता होगी। अगर नहीं भी पता है गाइस, तो आज केवल मैं इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ, आगे अगली वाली क्लास में तुम लोग कॉपी पेन को लेके बैठोगे और हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, अपनी प्योर केमिस्ट्री को आगे चालू करेंगे, अपने सिलेबस को आगे फ्लो में लेके चलेंगे, ठीक है गाइज। तो मैंने इनको सेल्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था गाइज, मैंने इनको सेल्स का नाम दिया था। मैंने बोला था कि ये हमारे पास होती है कुछ सेल्स, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते गाइज इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं गाइज 6 में, वो भर जाते हैं 2 और 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे थे। यानी कि देखना, फाइंड आउट करना, क्या करना गाइज, फाइंड आउट करना, यानी कि जो के शेल है, ये कौन शेल है, ये है हमारी के शेल, राइट। कौन शेल है गाइज, ये हमारी के शेल, ये हमारी के शेल और ये है हमारी एल शेल। बताओ इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, यानी कि ये बोल सकता हूँ कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मुझे यहाँ से भी पता लगता है। अगर बात करूँ मैं अपने एल शेल की, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, यानी कि एल शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा, तुम लोग समझ पा रहे होगे बेहतर तरीके से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उनकी सेल्स में भरे जाते हैं, उनकी फिलिंग की जाती है गाइज, राइट। तो ये मैंने तुम्हें कार्बन के लिए इसलिए करके दिखाया क्योंकि जो ये कार्बन होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है,
किस में गाइज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल हम कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। एज यू कैन क्लियरली सी कि प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन के पास 6 और न्यूट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास 6। तो मेरे पास ये प्रोटॉन्स भी 6 ही है और ये मेरे पास न्यूट्रॉन्स भी 6 ही है, राइट? तो ये हमारी एक छोटी सी केमिस्ट्री थी, इसी अप्रोच से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट मैंने तुम्हें यहाँ 10th से कनेक्ट कराया है, कंप्लीट 10th से कनेक्ट कराया है। कंप्लीट तुम लोग यहाँ 10th में गए हो, यानी कि तुम लोगों ने यहाँ 10th सीखी है, 10th देखी है कि हाँ यार ये तो हमने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था गाइस। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी विल रीड और स्टडी अबाउट ओनली एंड ओनली कार्बन या कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। हर जगह ही तो कार्बन है यार, कहाँ कार्बन नहीं है? रेत में तो कार्बन है, मिट्टी में तो कार्बन है, पेन में तो कार्बन है, सर के बाल में तो कार्बन है, मेरी बॉडी में तो कार्बन है, कपड़े में तो कार्बन है, इस वायर में तो कार्बन है, फ़ोन के अंदर तो कार्बन है, खाना खाते तो कार्बन है, ग्लूकोज लेते तो कार्बन है, पानी पीते है, ये सारे के सारे कार्बन से मिलके बने। एवरीथिंग इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली जनरली सब कुछ ही कार्बन से मिलके बना है गाइस, ठीक है? दिख रहे होगे ये प्रोटॉन्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते रहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल तुम लोग यहाँ पे समझ पा रहे होगे। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन के अलावा जो भी केमिस्ट्री हमारे पास है एक्सेप्ट कार्बन जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the chemistry of elements। घर में आम तरीके से बात करते होगे, इसके तो खून में कमी होगी, इसके तो खून की कमी होगी, इसका तो खून खराब हो गया, इसके तो खून में ये हो गया, ठपराना हो गया, डिमकाना हो गया। तो गाइज ब्लड के अंदर भी एक एलिमेंट होता है आयरन। क्या होता है ब्लड के अंदर? आयरन इज द एलिमेंट, जिसको तुम देसी भाषा में अरे हीमोग्लोबिन नहीं करते रहते क्या? हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन केमिस्ट्री की देन है। उसी ने बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और अगर तेरे अंदर खून की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सिरप देता है, आयरन सिरप। कभी उसको ध्यान से देखना, उस पर आयरन टोनिक लिखा होगा, आयरन टोनिक, यानी कि ये जो आयरन की डिफिशियंसी तुम्हारी बॉडी के अंदर हुई है उसको कंप्लीट कर देगा। अगर मैं जानता ही ना कि व्हाट इज़ आयरन, तो मैं कैसे उस बंदे को ठीक करता जिसके अंदर खून की कमी हो चुकी थी या जिसने अपना ब्लड लॉस कर दिया था, जिसके अंदर आयरन की कमी हो चुकी थी। कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी बोन्स है ना, तो बोन्स में पता लगाया गया कि भाई कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो वहाँ बताया गया कि अच्छा भाई कैल्शियम है, उससे बन के चलेगी बात। हाइड्रोजन वाटर में मिलता है, हाइड्रोजन वाटर के अंदर मिलता है, बात समझ में आती है? ये बात तुम लोग देखोगे, यानी कि एक्सेप्ट कार्बन जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी आने वाली है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर गाइस, ठीक है जी? अब बात करते हैं जी अपनी सिंपल सी केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं गाइस? अपनी सिंपल सी केमिस्ट्री की। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऐसे घूमता रहता है। ये देखो चारों तरफ तो घूम ही रहा है, यानी कि ये इस न्यूक्लियस का चक्कर तो काट ही रहा है, लेकिन ये अपना भी एक्सिस का चक्कर काटता रहता है, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता रहता है, यानी कि ऐसे भी घूमता रहेगा और ऐसे भी घूमता रहेगा। यानी कि ये जो पेन है ये ऐसे तो घूम ही रहा है, प्लस ये घूमते घूमते ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि मैं चक्कर तो काट ही रहा हूँ लेकिन मैं चक्कर भी कैसे काट रहा हूँ, ऐसे अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है और चारों तरफ भी घूम रहा है, चारों तरफ भी घूम रहा है, यानी कि ऐसे भी घूम रहा है और एज वेल एज ये ऐसे भी घूम रहा है। दिख रहा होगा तुम लोगों को ये मार्कर से जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, हेलिक्स वे, इसको बोलते हैं हेलिक्स वे। इट इज़ द रिवोल्यूशन, लाइक जैसे अर्थ होती है ना, अर्थ वो सन के चारों तरफ कैसे घूमती है, अर्थ सन का चक्कर तो लगाती है प्लस अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। चक्कर लगाने सन के चारों तरफ घूमने से तो साल बनते हैं, एक चक्कर एक साल में कंप्लीट होता है, और उसके अपने ही एक्सिस पे घूमने से दिन रात बनते हैं। यानी कि जिस तरफ, यानी कि अगर हमारे सामने रात है, यानी कि मैं सपोज करो अर्थ के इस फेस पे खड़ा हूँ, किस फेस पे खड़ा हूँ अर्थ के, सपोज करो ये अर्थ है, क्या है गाइस? ये
अर्थ है और मैं अर्थ पे यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। और इस तरफ ये है जी सन, क्या है जी, इस तरफ ये सन है जी। तो ये सन की जो लाइट है मेरे पास आएगी तो मुझे क्या लगेगा, डे लगेगा। अब ये जो अर्थ है जी, ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है कि नहीं घूमती रहती है, चारों तरफ घूम लेगी तो बन जाएगा वन ईयर, क्या बन जाएगा वन ईयर। लेकिन ये अर्थ जब घूमेगी तो ये अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है, ऐसे अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। यानी कि सपोज करो कि यहाँ घूमते घूमते चक्कर आया और ये जो यहाँ पे अर्थ आई उसमें बंदा पहुँच गया यहाँ पे, बंदा थोड़ा ना घूम रहा है, अरे हम तो अर्थ के ऊपर फिक्स है ना, अभी देखो अर्थ घूम रही है लेकिन जहाँ बैठा हूँ वहीं पे हूँ, मेरे पे थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है। तो बंदा आ गया इस तरफ, तो अब बंदे के लिए क्या आ चुकी, अब इस बंदे के लिए आ चुकी, यानी कि सन की लाइट तो केवल इस फेस पे पड़ेगी, इस वाले पार्ट पे पड़ेगी। सन की लाइट तो केवल अभी इस पार्ट पे पड़ रही थी, अब इस पार्ट पे पड़ेगी, तो इस वाले बंदे को क्या दिखेगा, इसको दिखेगी नाइट, क्या दिखेगी नाइट। और इस वाले बंदे को क्या दिख रहा था, डे दिख रहा था, क्या दिख रहा था, डे दिख रहा था। यानी कि नाइट और डे तो होते अपने एक्सिस पे रिवोल्यूशन के कारण, और साल बनते हैं चारों तरफ घूमने के कारण। बात समझ में आती होगी, ख़त्म करते हैं इसी के साथ और अपनी केमिस्ट्री के पास लेके चलते हैं, और केमिस्ट्री में लेके चलते हैं गाइस अपने प्यारे से कॉन्सेप्ट को, मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, मैटर की बात करते हैं जी, सबसे पहले बात करेंगे मैटर की। सबसे पहले बात करेंगे गाइस मैटर के बारे में, क्या होता है मैटर, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास दिखती है मैटर है ना, कोई भी चीज़ जो हम आसपास देखते हैं उसको क्या बोलते हैं गाइस, मैटर है। अब हमें मैटर को क्लासिफाई करना है, क्या करना है हमें, उसे क्लासिफाई करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो किसी भी चीज़ के दो तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एक उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, कैसी अपीयरेंस के बेस पे, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, कम दिखता कैसा है। जैसे कि अगर मैं इंसान का क्लासिफिकेशन करूं तो कलर के बेस पे कर दूंगा ना, हाइट के बेस पे कर दूंगा ना, यार बताओ कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, मैं बोल दूंगा यार ये लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, नाटा है, बोना है, तिरछा है, ये है वो है, कुछ क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे। यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस के बेस पे गाइज, फिजिकल अपीयरेंस। और एक हम लोग इसका पढ़ेंगे केमिकल अपीयरेंस, यानी कि जो हमें दिखती नहीं हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मुझे उसका ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना यार, उसका ब्लड लेना पड़ेगा, फिर उसके ब्लड को मैं निकालूंगा, ब्लड को निकालने के बाद चेक करूंगा, अच्छा इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, इसका ए बी नेगेटिव है, बंदे इस तरफ आ जाओ जी, ओ नेगेटिव वाले इस तरफ आ जाओ जी, ए नेगेटिव वाले इस तरफ आ जाओ जी, बी नेगेटिव वाले इस तरफ आ जाओ जी, देख के पता नहीं कर सकते थे। केमिकल अपीयरेंस करनी पड़ेगी तभी हम उसको पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मैटर है वो किस तरीके का है, राइट। इस फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं गाइस हम उसको, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल अपीयरेंस के बेस पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं गाइस हम उसको, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है जी। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कैसा दिख रहा है तुम्हें, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे सिंपल बोल सकते हैं कि मैटर या तो सॉलिड है, राइट, या मैटर लिक्विड है, राइट, या मैटर गैस है, पता लग जाएगा, गैस दिखेगी नहीं, लिक्विड बहता हुआ दिखेगा, तो सॉलिड ऐसे दिखेगा बिल्कुल ठोस, ऐसे दिखेगा बिल्कुल ठोस दिखेगा सॉलिड, राइट। यानी कि इस तरीके से हम पता कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे कि मैटर कितने तरह का होता है। मैटर तीन तरह का होता है जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। केमिकल क्लासिफिकेशन बात करते हैं जी, केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जब जाते हैं तो बात आती है जी दो तरह की, कि वो प्योर 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 मैटर है, यानी कि वो प्योर सब्सटेंस है, या किसी का मिक्सचर है, यानी कि प्योर है या मिक्सचर है। प्योर जैसे कि तुम्हारे घर में एग्जांपल लेके चलता हूँ, पानी पीते अपन लोग, पानी पीते, ठीक है, पानी पी रहे, अपने घर का पी ले कि पड़ोसी घर का पी ले, या
यूएस का पी ले या हिमालयाज का पी ले, पानी तो पानी है। पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी कि पानी अपनी प्योर स्टेट में है भाई, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन सपोज करो किसी के घर में शिकंजी बन रही है, किसी को तेज मीठा पसंद है, किसी को हल्का मीठा पसंद है, तो वो अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे? सपोज करो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, मेरे पड़ोसी को कम मीठा पसंद है, तो मैंने पानी के अंदर मीठा बनाने के लिए क्या डाला? मैंने उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डाले ना। बोलो भाई, डाले कि नहीं डाले? डाले कि नहीं डाले? डाले। मैंने उसके अंदर कुछ डाल दिया, मैंने उसको मिक्सचर बना दिया। क्या बना दिया? मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर एक जैसा नहीं हो सकता। मिक्सचर पड़ोसी के घर में अलग था, मेरे घर में अलग है। अरे मुझे कम मीठे का पसंद है, मैं कम मीठे का पीऊँगा, ज़्यादा मीठे का पीऊँगा। पड़ोसी की पसंद उस पर डिपेंड करती है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। अगर फिक्स ही हो चुका, मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे पड़ोसी को कम मीठा पसंद है, तो यानी कि वो मिक्सचर अलग है और ये मिक्सचर अलग है। यानी कि मिक्सचर जो चलते हैं वो कंसंट्रेशंस के बेस पे चलते हैं। किसके बेस पे चलते हैं? कंसंट्रेशंस के बेस पे चलते हैं। 9th क्लास को याद कर लो फटाफट 9th क्लास को याद कर लो। 9th क्लास में कंसंट्रेशन सिखाई थी, 9th क्लास में कंसंट्रेशन सिखाई थी और टीचर कह कह के मर मर के पागल हो गया था। परसेंटेज वेट बाई वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इन्हीं को फर्दर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसी चीज़ को फर्दर हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। इसी के बेस पे मैं अपने चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन करता हूँ गाइज। और मैं सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग? मोल कॉन्सेप्ट गाइस। कंसंट्रेशंस, अरे कितने तरीके से नाप सकते हो भाई किसी चीज़ को। अरे कपड़ा है, मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, डिस्टेंस है किलोमीटर में नापोगे, माइल्स में नापोगे, बहुत सारी यूनिट्स है ना तुम्हारे पास। अब तक केवल तुमने 9th क्लास में दो ही यूनिट्स में कंसंट्रेशन को मेजर किया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वेट बाई वेट और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ हम इस कंसंट्रेशन को और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये मोल के बारे में तुमने सुना ही होगा, ये मोल के बारे में तुमने सुना ही होगा, वन मोल इक्वल्स टू, ऐसा कुछ पढ़ा है? वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने, राइट? तो ऐसा कुछ अगर हमें पढ़ना है तो हम इसके बारे में पढ़े कंप्लीट मोल केमिस्ट्री के अंदर, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है गाइज। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा एनहेंस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। किसको पढ़ेगा गाइस? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। ये कंप्लीट तुम्हारा 9th क्लास से कोरिलेशन सेट करेगा, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन सब की डिस्कवरीज पढ़ेंगे, एज वेल एज हम अलग अलग तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे टू एटम, टू विजुअलाइजेशन ऑफ एटम्स, और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जो हमारे 11th क्लास में आएगी, राइट? यानी कि 9th का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्या है? थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, न्यू वर्जन है। होता है ना फ़ोन में जब एंड्रॉइड्स आते हैं तो कुछ नए फीचर्स आते हैं, राइट? ऐसे ही हमारे पास 9th क्लास का जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी का एडवांस वर्जन है 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, राइट? आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में हमारे पास आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आएगा गाइस? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहले भी पढ़ लिया गाइस, ये तुमने पहले भी पढ़ लिया 10th क्लास में, बस थोड़ा सा एडवांस तुम्हें यहाँ चलना है 11th क्लास में,
टेंथ क्लास में हम लोग ये पढ़ के आ चुके, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन किस तरह से करते थे। वही क्लासिफिकेशन, वही मेंडली टेबल, पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेगी कि एलिमेंट्स को एक साथ किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक अलग से जो टॉपिक है वो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। ITJEE नीट के एग्ज़ाम में हर साल यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं। हर नीट का तो फेवरेट है, नीट का तो ये फेवरेट है, वो तुमसे यहाँ से क्वेश्चन देगा ही देगा, रुक ही नहीं, उससे रहा ही नहीं जाता। जैसे हम बिना पानी पिए नहीं रह सकते, वो नीट वाला बिना यहाँ से क्वेश्चन दिए जा ही नहीं सकता आगे, देगा। यानी कि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा गाइज। उसके बाद आता है जी फोर्थ चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर केमिस्ट्री की बैकबोन है और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है इस चैप्टर का? केमिकल बॉन्डिंग। मैं इसको बोलूँगा, मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। विदाउट दिस, टू लर्न केमिस्ट्री, टू थिंक केमिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, नथिंग। इसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं। यहाँ नहीं, आने वाले हर चैप्टर में, जब से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, आने वाले हर चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग होगा, हर फॉर्म में केमिकल बॉन्डिंग होगा। अरे खूबसूरत बन जाती है, अरे खूबसूरत बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, खूबसूरत खूबसूरत बन जाती है इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना इस केमिकल बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना पागल जैसी बातें हैं। अरे रट्टा नहीं मारना पड़ता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रट्टा नहीं मारना पड़ता, अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो। यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तुम जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नई चीज़ तुम्हें पता लगेगी, मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों। जितनी बार तुम इसे पढ़ोगे हर बार इसमें कुछ तुम्हें नया देखने के लिए मिलेगा गाइस, हर बार तुम्हें कुछ एक नई चीज़ दिखेगी, हर बार तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जगेगा कुछ नई चीज़ों को जानने का, हर बार। यानी कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आगे चलते हैं गाइस, आगे बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, स्टेट ऑफ मैटर। किसकी बात करते हैं गाइज? स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली यहाँ हम लोग गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट भी है लेकिन वो ट्वेल्थ क्लास में एक न्यू चैप्टर है, वहाँ सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है, यहाँ हम केवल गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी चैप्टर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर की अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, विदाउट दिस टू थिंक अबाउट दैट, टू लर्न अबाउट दैट इज इम्पॉसिबल। इसके बिना सीख ही नहीं पाओगे, लगेगी जानबूझ के लगेगी, मजा आएगा इसको लगने में। इसको क्यों मजा आएगा? अरे ये पागल नहीं है, NCERT का सिलेबस एक परफॉर्मा में सेट, उसको पता है कि अगर इसको आज ये चीज़ नहीं पढ़ाई ना तो ये आगे जाके इसके ऊपर बर्डन बन जाएगी। एक एक चैप्टर, अरे ट्वेल्थ है पूरी ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इस चैप्टर के बिना है नहीं। चैप्टर नंबर 4 तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, राइट, मैंने बताया, उसके बिना कैसे पढ़ लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? ट्वेल्थ में आती क्या है, सेकंड बुक पूरी ऑर्गेनिक है। दिमाग से मिथ बिल्कुल निकाल देना कि 11th क्लास में नहीं पढ़ना। अरे मैं मानता हूँ पास हो जाओगे, 11th क्लास में चीज़ें बोझ बन जाएगी, भारी लगने लग जाएगी, और जब 12th के पड़ाव में आओगे ना, जब 12th को पास करके निकल रहोगे तो इधर उधर देखोगे कहाँ जाऊँ, कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करना है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मेरे साथ क्या होगा, ऐसे करोगे? ऐसे नहीं करना, चीज़ों को बर्डन बनने ही मत दो। अरे मुझे खुद पता है, मैं खुद उस फेज़ को देख के आ चुका, तभी तो हम तुम्हारे सामने बोल पाते हैं कि हम चीज़ों को देख के आ चुके। बर्डन मत समझना, और ये तो बिल्कुल मत समझ लेना कि नहीं चलो रे 11th क्लास तो ऐसे ही पास कर लेंगे, जो मैक्सिमम बच्चों का मिथ होता है, अभी आगाह कर रहा हूँ तुम्हें, राइट। बात करते हैं जी सिक्स्थ चैप्टर की, सिक्स्थ चैप्टर आएगा थर्मोडाइनेमिक्स। क्या आएगा गाइज? थर्मोडाइनेमिक्स।
यहाँ है जी वो फिजिकल केमिस्ट्री, ये है जी फिजिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली फिजिक्स और मैथ की अप्रोच से पढ़ेंगे, फिजिक्स और मैथ की अप्रोच से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आज तुम्हारे पास पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ भी हम लोग बहुत सारी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वही, और ये चैप्टर तुम लोग सेम अपनी फिजिक्स में ही पढ़ोगे, सेम यही चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, थर्मोफिजिक्स के नाम से, थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से अपनी फिजिक्स में ही पढ़ोगे 11th क्लास में, तो वहाँ भी आएगा गाइस ये, राइट। उसके बाद चलते हैं 7th चैप्टर पे, 7th चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है गाइस उसका? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ये भी गाइस फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। और यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने कहाँ पढ़ा था, इधर आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, देख तो लो कहाँ पढ़ा था, कभी कभी सिस्टम ही खराब हो जाए। अच्छा, एक 10th क्लास में एसिड बेस चैप्टर पढ़ा था, एसिड बेस पढ़ा था, वहाँ पर टीचर ने क्लासिफिकेशन कराया था एसिड का, एक स्ट्रोंग एसिड और एक वीक एसिड, करवाया था कि नहीं करवाया था बताओ? स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया था, बुक खोलना उसमें लिखा है, स्ट्रोंग एसिड के बारे में बताया था कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बताया था यहां पे तुम्हें? कंप्लीट डिसोसिएशन। और वीक के बारे में तुम्हें बताया था पार्शियल और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, है ना। फिर वो तुम्हें एग्जाम्पल लिखाता था, HCl gives H plus plus Cl minus, और यहाँ एग्जाम्पल लिखाता था एसिटिक एसिड का, CH3COH gives acetate ion plus H plus, बोलता था कि नहीं बोलता था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ये जो साइन है, ये जो साइन है आज तक अलग तरीके से नहीं देखा होगा, दिखा रहा हूँ अभी, दोनों में डिफरेंस है, ये एक कंप्लीट एरो है और ये दो हाफ एरोज है। इस साइन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इस साइन के बारे में, यानी कि यहाँ तुम्हारे पास 10th क्लास में छोटी सी एक हरकत की थी तुम, मतलब एक पेशकश की थी, एक नगमा तुम्हारे सामने पेश किया था लेकिन तुम देख ही नहीं पाए। 10th क्लास में एसिड बेस के बारे में ये स्ट्रोंग वीक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, और इस स्ट्रोंग में ये साइन ऐसा लगाया था और वीक में साइन ऐसा लगाया था जो शो करता था पार्शियल और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन को, यानी कि ये साइन बोलता है कि भाई ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब बोथ डायरेक्शन, मतलब क्या? बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन आ जा सकती थी, पर ये रिएक्शन चीख चीख के बोलती है, ये रिएक्शन चीख चीख के बोलती है कि केवल इसी डायरेक्शन में जाऊंगी, केवल इसी डायरेक्शन में जाऊंगी। तो गाइज जो रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है, यानी कि रिएक्टेंट बोलते थे ना 10th क्लास में रिएक्टेंट, अरे ऐसे रिएक्शन पड़ी थी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, अगर रिएक्टेंट देते हैं प्रोडक्ट तो पढ़ी ये रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट भी देने लग जाए रिएक्टेंट तो पढ़ूंगा ये वाला साइन, राइट। और इस साइन की जो केमिस्ट्री होगी ये 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत लाजवाब, रिएक्शंस के बारे में बताएगा, पहचानना सिखाएगा कि कौन कौन सी रिएक्शन केवल आगे जा सकती है और कौन रिएक्शन आगे जाके पीछे जा सकती है। गाड़ी है केवल फ्रंट गियर और बैक गियर, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है साहब, इस गाड़ी में बैक गियर भी है और फ्रंट गियर भी है, दोनों तरफ चलेगी, रिएक्शंस आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी देगी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी देगी। यानी कि इस 7th चैप्टर में हम केवल इस साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरे के पूरे चैप्टर में केवल यही पढ़ने वाले हैं, और 10th क्लास में आया था, देखो है कनेक्टिविटी, यानी कि तुम्हें ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, आसान लगेगा क्योंकि तुमने पहले देख लिया। आगे चलते हैं गाइस, आगे बात करते हैं, ये बुक वन खत्म हो चुकी, यहाँ समाप्त हो चुकी बुक वन, ये 7 चैप्टर हम लोग बुक वन के अंदर पढ़ने वाले हैं,
और इसी बुक वन को कंप्लीट करने में मैं टाइम लगता है। इलेवंथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, ट्वेल्थ का सिलेबस थोड़ा कंसाइज होता है, आसान होता है। इलेवंथ थोड़ी हार्ड भी लगती है, वो इसी लगती है कि पहली बार केमिस्ट्री के नाम से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब तक तो केवल साइंस के नाम पर एक बुक पढ़ रहे थे, तो चलो जो भी दिमाग में आ रहा था बर्डन था कंप्लीट हो गया, लेकिन पहली बार अलग से केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर फिजिक्स पढ़नी है, फिर बायोलॉजी पढ़नी है, दो बुक केमिस्ट्री की, दो बुक फिजिक्स की, दो बुक बायोलॉजी की, साइंस की थी केवल एक बुक, यानी कि एक किस्म में कन्वर्ट हो चुकी छः बुक में। तो लगता है यार ये क्या दे दिया, सिलेबस आता है फिर भी तो आती है ना, फील आती है। टाइम अब की पास, अब की बार हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है गाइस, यानी कि इतना टाइम हमारे पास है कि हम चीज़ों को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। प्लीज़ इलेवेंथ क्लास को ब्रीफली पढ़ना, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और तुमसे बड़ा होने के नाथ तुम्हारे साथ एक सलाह भी है, इलेवेंथ क्लास को ब्रीफली पढ़ना, टाइम मिल रहा है। इससे पहले जब इलेवेंथ क्लास शुरू हुआ करती थी तो जून जुलाई में शुरू हुआ करती थी, लेकिन गाइज आज की डेट है 22 अप्रैल, आज हम 22 यानी कि 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को हम ये शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम और दिनों के मुताबिक और साल के मुताबिक बहुत पहले है, यानी कि बहुत पहले शुरू कर रहे हैं। कम से कम 2 महीने का डिफरेंस है हमारे पास, कम से कम भी 40 से 45 दिन तुम लोगों को मिलने वाले हैं। इनको वेस्ट नहीं करना है, केमिस्ट्री के बिल्कुल हर केमिस्ट्री नहीं हर सिलेबस के डीप में जाना है। जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो कर लो, जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो कर लो, उन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के बाद मज़ा ही आ जाएगा ट्वेल्थ क्लास को पढ़ने में, और फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ को एक साथ जेईई नीट में देखने में मज़ा ही आ जाएगा गाइस, राइट है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट बुक समाप्त हो चुकी, हम बात करते हैं अपनी सेवेंथ बुक की, और सेवेंथ बुक में यानी कि सॉरी सेकंड बुक की, और सेकंड बुक में चैप्टर आता है एट चैप्टर आता है रेडॉक्स। क्या आता है गाइज? रेडॉक्स। तो तुमने ये इसके बारे में पहले भी सुना है, बताऊँ कहाँ सुना है, तुमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था गाइज, कौन सा? अरे यही पहला चैप्टर कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में तुमने पढ़ी थी एक चीज, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तुमने एक रिएक्शन का टाइप पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे पकड़ा गया, यहीं पे मारना है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, इस रिडॉक्स चैप्टर के बारे में यही पढ़ना है, केवल पूरे 8 चैप्टर में रिडॉक्स को पढ़ पढ़ के पागल हो जाना है, मार देना है इसको, काट देना है, कहीं से भी नहीं छोड़ना, यही सब कुछ पढ़ना है हमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसी के बारे में पढ़ना है। और ये तुम पढ़ चुके, कॉन्फिडेंट रहना, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, इसी से मिलके बनता है रेडॉक्स। क्या मिलके बनता है इसे? रेडॉक्स। क्या होता है रेडॉक्स? रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, इसी के बारे में पढ़ना है, यही तो है रेडॉक्स, और कुछ है नहीं रेडॉक्स, अलग अलग तरीके से इसी को पढ़ना है। ठीक है गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मूव ऑन करते हैं, और बताता है नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोजन एटम के बारे में। क्या बताता है हमें? हाइड्रोजन एटम के बारे में। इससे पहले हाइड्रोजन को ऐसे ही पढ़ लिया, ब्रीफली पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन से क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, H2O बन सकते हैं, हाँ H2O के बारे में पढ़ेंगे। एक हैवी वोटर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हैवी वोटर नाम सुना होगा, हैवी वोटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है D2 होता है, बताऊँगा क्या होता है क्या नहीं, तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तब चले गए अपन लोग। ठीक है, 10th चैप्टर में हमारे पास आता है एस ब्लॉक। क्या आता है इस 10th चैप्टर में हमारे पास? एस ब्लॉक आता है, और एस ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़ने वाले? वही अब जो केमिस्ट्री शुरू हो चुकी ना गाइज, ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है ये? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी साहब, शुरू हो चुकी 9th चैप्टर से हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी। पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में, फिर पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक बोले तो बोलो जो वहाँ पीरियडिक क्लासिफिकेशन होता ना, एक पीरियडिक टेबल होती थी, उसमें कुछ इधर एलिमेंट्स थे, है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे, फिर यहाँ पे खाली था, फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे, है ना, राइट।
और फिर यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हुए थे ऐसे, ध्यान करो, ऐसे कुछ एलिमेंट्स रखे हुए थे यहाँ पे, ऐसे एक तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें जो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक, इतना जो ब्लॉक बना हुआ है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एस ब्लॉक। और इतना जो ब्लॉक बना हुआ है ये है पी ब्लॉक। क्या है गाइज? ये पी ब्लॉक। और इतना जो ब्लॉक मेरे सामने है ये है हमारे पास डी ब्लॉक। क्या है ये हमारे पास? डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एस ब्लॉक में दो फैमिलीज पढ़ेंगे, एक फर्स्ट ए और एक सेकेंड ए। क्या होता है फर्स्ट ए बता दूंगा, इनका नाम होता है एल्कली मेटल्स। क्या नाम होता है गाइज इनका? एल्कली मेटल्स। और इनका नाम होता है एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद 11th चैप्टर, यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले गाइस? पी ब्लॉक के बारे में, यानी कि इस ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस ब्लॉक की इस और इस फैमिली को पढ़ने वाले हैं। ये फैमिलीज हमने फर्दर आगे के लिए छोड़ी हुई है, ठीक है गाइस। ये फैमिलीज हम लोग आगे ही क्लास में कवर करेंगे, 11th क्लास में ये दो फैमिलीज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये टू फैमिलीज, राइट, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं और यहीं पे हम अपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं जी, चैप्टर कितने हो चुके हमारे? 11 चैप्टर हो चुके। बात करते हैं जी 12th चैप्टर की। 12th में हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेगा इस हम यहाँ? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बार ऑर्गेनिक का चैप्टर आने वाला है, यानी कि घबराने की कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक हार्ड होती ही नहीं है। 11th के सबसे बाद में हमें लोग, सबसे बाद में, लगभग 14 चैप्टर है ख़त्म ही होने वाले हैं, सबसे बाद में हम लोगों को मिलने वाली है यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेगा इस हम लोग वहाँ पे? हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास से कनेक्टेड है ये चैप्टर भी। 10th क्लास में तुम लोगों ने एल्केन्स है ना, एल्कीन्स है ना, और एल्काइन्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। इन्हीं चैप्टर के बारे में हम लोग, यानी कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ हमारे पास थोड़ा कंसाइज था है ना, और यहाँ हमारे पास ये होगा इन ब्रीफ। कैसे होगा गाइस? यहाँ पे हमारे पास ये इन ब्रीफ में होगा। और सबसे लास्ट में हम जो अपना 4th चैप्टर यानी 14th चैप्टर पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में केमिस्ट्री किस तरीके से लगी हुई है और किस तरीके से केमिस्ट्री को विजुलाइज करना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारे कॉन्सेप्ट मैटर करेंगे। तो गाइज ये था हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का, ठीक है गाइज, ये हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो एक बार इसको फटाफट से लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है गाइज। तो मैं तुम्हें प्रॉपर मौका दूंगा लिखने का, कौन सा कहाँ से कनेक्टिव है, कहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है गाइज, मैटर का क्लासिफिकेशन से मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ से आप लिखो फटाफट, इनको लिखना चालू करो, इसको लिखो। मैं स्लाइड्स को ऐसे ही फर्दर मूव ऑन करता चला जाऊंगा, जहाँ पे भी मैं मूव ऑन करूँगा आप उसको क्या करना है, आपको फ्रीज मतलब पॉज कर देनी है वीडियो, वहीं पे लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे चला जाऊँगा, फिर आप उसको लिखोगे, फिर मैं आगे चला जाऊँगा, ऐसे ही करते हम लोग आगे चलते रहेंगे, ठीक है गाइज। इसको फटाफट लिखो, इसको लिखो, पॉज करो, आगे चलते हैं, ठीक है। ये लिखो सिलेबस है ये हमारा, क्या आएगा इस हमारा, ये सिलेबस है। फोर्टीन चैप्टर है, दो बुक्स में, 7+7, ठीक है गाइस। ये हमें सिलेबस के बारे में पढ़ना है, तो ये सिलेबस कंप्लीट करो,
लिखो, केवल चैप्टर्स के नाम नाम लिखो, जो कुछ भी है तो मैंने कनेक्टिविटी को बैठाया है, ये भी तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, मोर कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन 9th क्लास में पढ़ा था, यानी कि देखो कितनी मतलब ब्यूटीफुल है यार सब्जेक्ट, टॉपिक भी इस तरीके से रखे हैं कि पहले 9th का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर 10th का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर तुम लोग 11th को अपने आप जान जाओगे, फिर 11th को पढ़ोगे 12th में, ऐसे ही तो है, नया कुछ नहीं पढ़ा सकते यार, नया कुछ नहीं पढ़ा सकते। हाँ, किसी चीज़ को थोड़ा बता के बड़ा बता सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, ब्रीफ में पढ़ा सकते हैं, 10th में थोड़ा लिमिटेशंस थी, 9th में, 9th का तो बच्चा कितना सा होता है, उसको तो साइंस के बारे में नहीं पता होता गाइस। इसको पोज करो, उसको फटाफट लिखो, ठीक है, यहाँ से पोज करके लिख सकते हो। फिर गाइस आगे चलते हैं, ठीक है, ये 3rd और 4th चैप्टर, इस चैप्टर को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट लविंग चैप्टर दैट आई नो, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। दिखेगा यहाँ तुम्हें कुछ होता हुआ दिखेगा, ये तुमसे बात करेगा, क्या करेगा गाइस, ये चैप्टर तुमसे बात करेगा, बोलेगा, ये चैप्टर बोलेगा गाइस, ये खुद बोलेगा, लिखेगा, दिखेगा, सब कुछ होगा इस चैप्टर में, और सबसे बाद में ये सबसे हमारा क्या होगा, हम समझेगा, हम इस चीज़ को समझेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अरे जो चीज़ दिखती है हमसे बात करेगी, बोलता होगा, हमारी चीज़ों को समझता होगा, हम उसको समझते होगे, इसी को तो बोलते हैं समझना, है ना गाइस। इसको पोज करना, आगे लिखना, ये जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, हर जगह ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, मतलब शॉट पे शॉट मारता है, छक्के मारता है, सिक्सर है ये, सिक्स हिटर है, सिक्स करता है, सिक्स छक्के पे छक्के, हेलीकॉप्टर शॉट, ये आया कॉन्सेप्ट वहाँ से, ये निकल गया कॉन्सेप्ट वहाँ से, ऐसे आता है गाइस ये, ठीक है। इसको पोज करो, आगे लिखो, फिर हमें स्टेट ऑफ मैटर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, राइट है, फिजिक्स एंड मैथ की अप्रोच से, ठीक है, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री टास्ट हो चुकी, वो यहाँ तक बेसिक थी, यहाँ तक सब कुछ बेसिक था, यहाँ तक तो केमिस्ट्री को ही समझना था ना, कि केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं, सब में ही लगेगी ये तो इतनी तो सब में ही लगेगी, ये बेसिक है। इसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट हो गई, स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, पोज करो, लिखो, आगे चलते हैं। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कहाँ पे उठा था, यहाँ से उठा था, इस एरो से उठा था, राइट, इसके बारे में लिखेंगे। रिवर्सिबल, ये वर्ड सुन लिया, आगे इसके बारे में बताऊंगा। बो डायरेक्शन, यानी कि आगे पीछे दोनों जगह जा सकती है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। इसको पोज करना, इसको लिखना, आगे चलते हैं गाइस। 8th चैप्टर डॉक्स, ये फिर से 10th क्लास का चैप्टर आया, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है गाइस, पोज कर लेना, लिख लेना। इसके बाद हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हो चुकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी यहाँ पे, राइट गाइस। इसके बाद हाइड्रोजन एटम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर ही हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर यहाँ हमें ये 3 चैप्टर में पढ़ने हैं गाइस, ये 3 चैप्टर में पढ़ने हैं, सॉरी ये 2 चैप्टर में लोगों को पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर पढ़ने हैं गाइस? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 2 चैप्टर, और ये चैप्टर पढ़ना है हमें अपने अवेयरनेस के लिए। किसके लिए गाइस? अवेयरनेस के लिए, यानी कि यहाँ पे तुम्हें अवेयर कराया जाएगा कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, किस तरह से तुम्हारे जो फ्रिज है या एसी है उनमें पहले क्या यूज़ करते थे, वो किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लेशन करते थे, एटमोसफियर कैसा है, कहाँ पे ओजोन लेयर मिलती है, कहाँ पे जाके ऑक्सीजन की सेचुरेशन हो जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, कौन कौन से स्फीयर, यानी कि एटमोसफेयर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे होता है नाइट्रोजन, यानी कि इसमें वो केमिस्ट्री है जो हमें अवेयर कराती है, जनरल साइंस से अवेयर कराती है, राइट। ये तो मतलब हर किसी को पता होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि केमिस्ट्री को ही पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। हाँ, हम उसे केमिस्ट्री के अप्रोच से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अप्रोच से पढ़ेंगे गाइस। ठीक है गाइस, राइट। और ये हमारा इतना ही सिलेबस है, ठीक है, इसी के लिए थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस, फॉर बिलीव, फॉर शो फेथ ऑन अस, राइट गाइस। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छे समझ में आया गाइस। आई होप
कि तुम्हें चीज़ें अच्छे से दिख पा रही है। ठीक है गाइज, थैंक्स टू जॉइन अस, थैंक्स फॉर शोइंग फेथ ऑन हयात। राइट गाइज, ये था हमारा 11th क्लास की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इसी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, आगे क्लास में आपसे जुड़ूंगा, इसी तरीके से आपके साथ इंट्रैक्शन करूंगा और आपको बहुत इजी वे में केमिस्ट्री को सिखाऊंगा। कल से हम लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आज की क्लास में हम लोगों ने केवल सिलेबस के बारे में जाना है गाइज। कल आगे हम लोग अपने सिलेबस को शुरू करेंगे और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कल की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट यानी कि क्लासिफ यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तैयार रहिए एक नई इंटरेस्टिंग क्लास के लिए, एक नए इंटरेस्टिंग में। थैंक यू सो मच गाइज।